दोस्तों कई बार एक छोटा सा मोबाइल बड़ा नुकसान करवा सकता है, सो ड्राइव करते वक्त मोबाइल को जेब में रखना ही बुद्धिमान इंसान की निशानी है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गुज्जू कार हेल्पर। तो कैम छो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो प्रतीक सिंह के चैनल पर पोस्ट किया गया था। ये वीडियो तमिलनाडु के किसी पॉलिटिकल पार्टी के काफिले का है। यहाँ पर वीडियो में आप देख सकते हैं कि पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता एक साथ कई सारी कार्स के साथ ओवर स्पीडिंग करते हुए जा रहे थे। यहाँ पर जब वो सभी कार तेजी से जा रही थी, तभी उनमें से एक कार का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, जिनसे उसके पीछे आ रही दूसरी कार भी ठुक जाती है। दोस्तों इस इंसिडेंट के बारे में हम ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या सभी रूल्स हम आम लोगों के लिए होते हैं? क्या नेताओं के लिए कोई रूल्स या लिमिट्स नहीं होते? अगर हम लोग इतनी तेज गाड़ी चलाते तो हमसे पहले तो चालान घर पहुंच जाता, समझ रहे हो ना? डकुता टॉमी साडा कुत्ता, कुत्ता डकुता टॉमी साडा कुत्ता, कुत्ता। मैं हर बार कहता हूँ कि कार चलाते वक्त फोन यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इतने टैलेंटेड होते हैं कि वे मोबाइल में देखकर कार चलाते हैं, और वैसे लोगों की वजह से रोड पर चल रहे दूसरे मासूमों को मुसीबत झेलनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर थार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुई इस वीडियो में सामने से आ रहा एक मारुति 800 वाला मोबाइल चलाते हुए ड्राइव कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो मोबाइल में इतना घुस गया था कि उसे ये भी नहीं पता रहता है कि उसकी कार दूसरी लेन में चली गई है, और तो और वो सामने से आ रही उस थार को भी नहीं देखता। अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी देर होती तो मारुति वाला इस थार से टकरा जाता, लेकिन यहाँ पर गनीमत यह रही कि कार चला रहे उस बंदे का ध्यान सडनली रोड पर चला जाता है और वो अपनी कार जल्दी से मोड़ लेता है। अब यहाँ पर एक ऑटो रोड पर चलते चलते अचानक आगे से उठ जाता है। दोस्तों इस इंसिडेंट को देखकर ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कई बार चलती ऑटो में आगे का टायर पंचर हो जाता है तो ऑटो अचानक आगे से उठ जाता है। दोस्तों देखने वाले को शायद ये फनी लग सकता है, लेकिन कभी कभार इनसे सीरियस इंजरी भी हो सकती है। दोस्तों हम सबको पता है कि हम भारतीय पूरे जुगाड़ू होते हैं। अब यहाँ पर कार पार्किंग के लिए किए गए इस जुगाड़ को देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि वाकई में भारतीय जुगाड़ू तो होते हैं। मेरे लास्ट के सभी वीडियो पे कई सारी कमेंट्स आ रही थी कि हमारे स्टेट में कुछ ऐसे बाइक राइडर्स के ग्रुप है जो ट्रैफिक से भरे रोड पर यूं यूं कट मारते हुए बाइक चलाते हैं, और उनसे रोड पर चल रहे दूसरे लोग बहुत ही परेशान है। दोस्तों हर सिटी में कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो खुद को बाइक राइडर बताते हैं, लेकिन असलियत में वो गली के छपरी बाइकर्स होते हैं जो अपनी रैश ड्राइविंग से खुद की वो दूसरों की जान भी जोखिम में डालते हैं, और ऐसे ही छपरी बाइकर्स दूसरे बाइकर्स का नाम खराब करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कुछ छपरी बाइकर्स यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए ट्रैफिक से भरे रोड पर ऐसी रैश ड्राइविंग करते हैं कि रोड पर जा रहे दूसरे लोगों को डर रहता है कि कहीं वो हमारे साथ टकरा ना जाए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छपरी बाइकर्स रोड पर जा रहे दूसरे बाइक वाले को गिरा देते हैं। बेकसूर लोगों को गिराने के बावजूद वो बाइक रोकता नहीं है और बाइक लेकर निकल लेते हैं। दोस्तों ऐसे छपरी बाइकर्स के साथ क्या करना चाहिए वो कमेंट करके जरूर कहें।